रूबिया सैयद के किडनैपिंग केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस तरह से यासिन मलिक फिलहाल तिहार जेल में कैद है और लगातार कोर्ट में खुद पेश होके जो गवाह हैं उनसे सवाल जवाब करने की इजाजत की मांग कर रहा था यासिन मलिक लगातार, और अपडेट ये है कि अब कोर्ट ने उसकी मांग को स्वीकारते हुए ये कहा है कि नेक्स्ट जो सुनवाई होगी उसमें यासिन मलिक कोर्ट में पेशी दे और उसके बाद वो गवाहों से सवाल जवाब कर सकता है। आपको बता दें कि टाडा कोर्ट ने रूबिया जो किडनैपिंग केस है उसमें यासिन मलिक को पेश करने के निर्देश दिए हैं और यासिन इस समय तिहाड़ जेल में कैद है। मलिक इस केस में खुद पेश होकर गवाहों से सवाल जवाब करने की लगातार मांग कर रहा था और टाडा कोर्ट ने उसकी मांग को स्वीकारते हुए जो जेल अथॉरिटीज है उसे अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। यासिन मलिक को 20 अक्टूबर को दोबारा जरा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटीज को यासिन मलिक को पेश करने के आदेश दिया है। पिछली बार रूबिया सैयद कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, जिस पर एतराज जताते हुए टाडा कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और आज रूबिया सैयद भी कोर्ट में पेश हुई है और आज सुनवाई के दौरान यासिन मलिक समेत तमाम जो आरोपित हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए और ये सुनवाई बंद कमरे में हुई। अब इस पर वकील का क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। तो फिजिकली प्रोड्यूस होंगे यासिन मलिक, तो किया है कोर्ट ने, तो अब यस दैट इज व्हाट ही हैज बिकॉज ही सेज दैट आई वांट अ फेयर ट्रायल आई शुड बी फिजिकली प्रेजेंट टू क्रॉस एग्जामिन, सो द कोर्ट हैज पास्ड ऑर्डर दैट हैज बीन टोल्ड टू अस इन द कोर्ट ओनली ओपन कोर्ट में कि भाई प्रोडक्शन वारंट हैज बीन इशूड। लास्ट टाइम शी हैड आइडेंटिफाइड फोर अबडक्टर्स इंक्लूडिंग यासिन मलिक, डिड शी बैकट्रैक टुडे और शी स्टिक टू हर स्टेटमेंट? No, in cross-examination, she has, I cannot say because you can verify those from the statements made, but she has identified Yasin Malik again and she has stated because photographs were identified in cross-examination, few questions were asked and she has been able to answer those questions accordingly. So, how many people has she identified? Last time she identified 4+1. And this time, also. No, this time that question was not there, of identification was never there. So that you can always verify from the court records that whether she has backtracked or what she has done. Ma'am, that is your role. She will also be in the court. Yeah, no, logo niche kar lo. What? Because Yasin Malik has to cross-examine this witness. So he, matlab niche kar le thoda. Court ne to order kiya hai, production warrant issue kiye hain. Ab hone to chahiye because Tihar jail ko direction hai ki he should be produced before the court. Sumendra bhai upar karna tha. एक डिक्टेट कर रहा है टर्म्स दैट ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स यूज करे, पहले हंगर स्ट्राइक, नाउ ही इज डिक्टेटिंग टर्म्स टू द कोर्ट दैट ही शुड बी प्रोड्यूस फिजिकली। नो, इट इज नॉट दैट ही, आई विल नॉट टेक इट दैट ही इज डिक्टेटिंग द टर्म्स, ही हैज एवरीबडी हैज अ राइट इन क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस और एनीबडी लॉ has that everybody has a right. He has put forth the position before the honorable court that nothing is possible to be done through VC, so I should be given a physical hearing because I don't have a lawyer. So we have objected to that situation because VC conditions are there and the honorable high court directions are there. We have objected to this that because honorable high court has passed a specific direction that all accused will be present in this virtual mode only. So we have objected, even MHA order we have shown. Ab the court has passed an order, so detailed orders we'll see what the court has passed, but court has issued a production warrant as has been told to us in opening the court. Thank you.